पे मैंने अब्बू को नाश्ता दे दिया था और आमिर के लिए नाश्ता बना रही थी, पराठा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। तो आज बना रही हूँ मैं, सुबह के मॉर्निंग आपसे शेयर कर रही हूँ, बना रही हूँ नाश्ता आमिर के लिए। अब्बू को मैंने नाश्ता दे दिया है, अब बना रही हूँ आमिर के लिए नाश्ता। अब्बू को ब्रेड और एग दिए मैंने, तो आमिर के लिए मैं बना रही हूँ पराठा और चाय वगैरह मैंने कप में निकाल ली है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। नाश्ता बना लिया है, मैं देने जा रही हूँ अंदर। आमिर आ गए नहा के आ गए हैं, तो मैं देती हूँ उनको नाश्ता। ये बेलन मेरा बहुत ही वो हो रहा था और ड्राई हो रहा था, तो मैंने कहा इसको भी मैं धो देती हूँ, बर्तन जो पड़े हैं ये भी धो आती हूँ, धो देती हूँ बर्तन, और बर्तनों को ज़रा भिगो देती हूँ ताकि ये थोड़े से ना नरम हो जाए आटा, ये नरम हो जाए आटा, नरम होता है तो फिर मैं इसको आके वॉश करती हूँ। बर्तन जो हैं ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उतनी देर में बाहर पड़े हुए कपड़े इनका मैं वो तय कर लेती हूँ, सुबह रात के आए हुए कपड़े मेरे उनको करती हूँ। अबू के कपड़े मैंने धोने डाले हुए थे, इसमें धुल गए कपड़े ही, उनको लाता लाता कर लेती हूँ। नाश्ता सबने कर लिया था, कपड़े भी मैंने तय कर लिए थे, और जब सारे मैंने बर्तन अंदर से इकट्ठे करके, तो फिर मैं यहाँ के सारे बर्तन धो रही थी, मिलकर चले बर्तन धोते, तो मुझे और भी बहुत से काम करने थे छोटे छोटे, जो कि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। फिर खैर मैंने बर्तन वगैरह धोए हैं और जो काम करने वाले थे बाहर भी गई और बाहर से भी कुछ चीज़ें ले ली थी, लेके आई थी मैं, और जो थे घर के काम वो भी मैं साथ साथ ही सारे समेट ली थी। ये देखे ये सारा नरम हो गया है बेलन, और मैंने फिर इसको सारा धो लिया था, तो धो के इसको रख दिया था, फिर इसको मैंने शॉपर में डाल के रख लिया था मैंने। तो यूँ ही इसी तरह मैंने सारे बर्तन जो थे बारी बारी करके मैंने सारे धो लिए थे, और ये बेलन वगैरह जो होता ना आराम से उतर जाता है उसके ऊपर, जो भी उसके आटे का खुशका लगा होता है ना, सारा आटा लगा होता है, तो वो आराम से इजीली जो होता है ना वो धुल जाता है। तो यूँ बर्तन वगैरह धो धो के तो मैं हो गई थी फारिग होकर, तो और काम किए। किचन मेरा साफ़ हो गया, मैंने सारा साफ़ कर लिया, बर्तन भी धो लिए, और मेरा दूध भी बॉयल हो गया, ठीक है, दूध भी बॉयल हो गया है, बर्तन भी मेरे सारे धुल गए हैं, मैंने धो लिए हैं माशाल्लाह से, फारिग हो गई मैं। अभी तो फारिग हो गई हूँ, अभी तो करना है अपना नाश्ता। तो ये दूध पड़ा हुआ है, दूध रखने जा रही हूँ मैं फ्रिज में, मानो ने नाश्ता करना होता तो फिर चाय बना लेती है। तो इधर जो थे अब्बू के कपड़े भी धुल गए थे, ये देखे मैंने डाल दिए थे यहीं पर अब्बू को, अब्बू के कपड़े भी डाल दिए थे मैंने, ये भी थोड़े से खुश्क होते हैं तो फिर मैं अब्बू को देती हूँ पहनने के लिए। ये मैं चिकन मैंने कहा देखती हूँ, ये देखती इतना समय लेके आई हूँ, 200 का चिकन लेके आई हूँ मैं इसका क्या करी, मैंने कहा मैं देखती हूँ, अगर चने की दाल पड़ी है तो चने की दाल के लिए मैं शामिल कर देती हूँ। मेरी दालों वाला डब्बा है, इसमें मेरी थोड़ी थोड़ी दालें जो बच जाती है ना वो मैं ना इसमें डाल देती रहती हूँ। तो खैर ये पैकेट पड़ा हुआ है, एक डालती हूँ खुला हुआ है, ये इस्तेमाल हुआ है। दाल भी बोल रही थी शामी चढ़ा दूँगी मैं थोड़े से, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी शामी बना लूँ मैं। बाकी जो बच गई है वो मैं रख देती हूँ। ये तकरीबन मेरी आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा होगी दाल, आधा किलो है, और ये मेरा चिकन मैं जो चिकन लाई हूँ वो ये इतना 200 का लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वक्त 200 ही पड़े थे, तो चलो थोड़ा सा ही डालना ना फ्लेवर ही डाल। ये चिकन का पीस जो है पीस मैंने धो लिया है, इसको मैं इसमें डालती हूँ, और बाकी मैं लहसुन अदरक जो है लेके आई हूँ ये भी डालूँगी मैं इसमें। मैं अब ये है जो बॉक्स मेरा दालों वाला, इसको मैं रख देती हूँ ऊपर करके, इसमें प्याज डाल लेती हूँ थोड़ा सा, प्याज काट के इसमें मसाले वगैरह डाल के मैं रख दूँगी इसको, तो इसको चढ़ा देती हूँ ताकि आस्ता आस्ता जो है ना वो पकता रहेगा मेरा, ये बन जाएगा फिर इतनी देर में।
अभी तक नाश्ता नहीं किया, अभी खाने को उठाती हूँ, ये मैं कर लेती हूँ, उतनी दाल देर में ना दाल जो है वो मेरी भीग जाएगी, तो जब तक दाल भी गएगी उतनी देर में मैं नाश्ता कर लूँगी, नाश्ता करके तो फिर मैं इसको चढ़ा दूँगी। मैंने कहा सारी चीज़ें पहले जो है ना वो रेडी करके रख लेती हूँ मैं, ताकि मुझे आसानी हो जाए बच्चों के आने से पहले ना, ये चीज़ मेरी बनी हो स्कूल से। मैं जल्दी से ये बना लेती हूँ। लहसुन मेरा ग्राइंड किया हुआ पड़ा हुआ है, मगर मैं वो नहीं डालूँगी इसमें, मैं साबुत ही डाल देती हूँ इसमें ना। इसमें ज़रा लहसुन अदरक जो है ना वो ये ज़्यादा डले ना तो वो थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, फ्लेवर अच्छा आता है इसमें ना डालने से। इसमें मैंने ये कर लिया, इसका पानी मैं फेंकती हूँ ताकि जो है मैं और पानी इसमें डालूँ। डालती हूँ मैं नमक भी, डालती हूँ हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ ताकि इसमें जो है ना वो कलर आए अच्छा सा। धनिया पाउडर मैं कूट के डालती हूँ, लहसुन तो गल जाएगा उसमें, अदरक जो है वो नहीं गलेगी। नाश्ते के लिए बस अब 11 बजने वाले हैं, मैंने कहा नाश्ता कर लेते हैं, बस मुझे भी भूख लगनी शुरू हो गई है, उसको फूट लेती हूँ मैं जल्दी से। शामी मैंने चढ़ा दिए हैं, अब ये आस्ता आस्ता पकते रहेंगे और मैं उतनी देर में नाश्ता कर लूँगी और ये पकते रहेंगे। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, इसको मिक्स कर लेती हूँ। मैंने ना इसमें चिकन का पीस ऐसे अब पूरा ही डाला है, जो चिकन है ना वो मैंने पूरी बोटी डाली ताकि रेशा रेशा जो है ना कबाब बने। तो ये जब पक जाएगा ना तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी रेशा कबाब बनेगा ये। तो ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है, इसको मैं ढक देती हूँ। आप ये इसको हल्की आंच पे मैं पकाऊंगी, जितनी देर में ये पक जाएगा उतनी देर में मेरा नाश्ता हो जाएगा। इसको मैं ढक देती हूँ। देखिए मैंने धोया था बेलन, तो मेरा साफ़ हो गया सारा मट वो हो रहा था, आटा लगा हुआ था इस पर, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। खानिया उठ जाओ बेटा, नाश्ता बना रही हूँ मैं। कपड़े नहीं धुले हुए थे इसलिए, बस वो बेटा ज़रूरत ही ना इसलिए खाने को मैं उठा रही हूँ नाश्ते के लिए। मैंने कहा उठे और नाश्ता बनाती हूँ मैं उतनी देर में अपना तो डालू, मुझे तो अब लगने लगी है भूख। मैंने इसलिए दिखाया, मैंने कहा यहाँ पे कि नहीं हानिया नहीं उठी, ये हानिया को मैंने उठाया वो उठ नहीं रही है, तो मैंने कहा मुझे तो लगी है भूख, मैं बना देती हूँ नाश्ता। जी जब मैं अपने लिए तो नाश्ता कर लेती हूँ। मैं अपनी नाश्ते की डिश बनाई है, ये देखिए आमिर चने छोड़ गए थे, बाकी थोड़े से बचे हुए थे वो भी मैंने डाल लिए, तो मैं नाश्ता कर रही हूँ बना के। तो फिर मुझे शदीद भूख लगी है, साथ साथ ये देखिए ये भी पक रहा है और मैं साथ साथ अपनी रोटी भी बना रही हूँ, पराठे वाली रोटी बना रही हूँ। इसको भी मैं साथ ला देती हूँ जब एक दफ़ा, इसमें बॉइल आ गया तो इसके नीचे मैं फ्लेम स्लो कर दूंगी। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद खा रही हूँ चने के साथ नाश्ता ना, तो आमिर नहाने चले गए थे, फिर पहले मैं सुबह चने लेके आई हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा चिकन लेके आई, मुझे एकदम से याद आया मेरे चने की दाल पड़ी है, मैं जल्दी से ना शामी बना लेती हूँ, शामी के लिए ना थोड़ा सा रख चढ़ा देती हूँ। तो फिर मैं चिकन लेके आई, तो आके फिर मैंने कहा नहीं ये जल्दी सुबह आज काम समेट लेती हूँ, तो मैं ज़रा जल्दी फारिग हो जाऊँगी। पकाने का तो अभी डिसाइड नहीं है, जाहिर सी बात है पकाने का तो अभी नहीं हुआ मेरा डिसाइड, अभी तो सुबह का ही नाश्ते का ही काम हो रहा है, और नाश्ते की रूटीन आपको आज दिखा रही हूँ मैं। शामी इसलिए बनाया, मैंने कहा आगे जो है वो रमज़ान आ जाना है, तो इसलिए जो है मैंने कहा मैं बना लेती हूँ, आखिरी दफ़ा वो बना लेती हूँ, रमज़ान में कहाँ खाए जाते हैं शामी, तो बना लेती हूँ, बच्चे चले खा लेंगे शामी। तो इसके मैं अब करती हूँ फिर नाश्ता, नाश्ता तो मेरा रेडी हो गया माशाल्लाह से, नाश्ता करती हूँ मैं। इसको ज़रा समेट लो क्योंकि इसको मैंने धोया है, इसको धोया मैंने बेलन को, तो मैंने इसको समेट लो फिर नाश्ता करने जा रही हूँ अंदर। ये हानिए के लिए मैंने चाय रखी हुई है, उठेगी तो अब मैं खुद ही बनाएगी, खुद ही बनाएगी और खुद ही करेगी। मैंने कहा मैं तो खाने लगी हूँ, नाश्ता मैं कर रही हूँ, तो शामी पड़े हुए हैं, शामी अभी पकते हैं,
तो फिर इसको मैं बना के फ्रीज कर लूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी। उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर उसके बाद और मसरूफियत हो जाएगी मेरी। तो मैं कट गई नहीं कि मैं काम सुबह उठ के बस नाश्ता वाश्ता ही करती हूँ, नहीं, नमाज़ पढ़ के हम लोग सो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद फिर लेट जाती हूँ, फिर आमिर उठते हैं, फिर नाश्ता वाश्ता उनको अब्बू को और आमिर को बना के देती हूँ, उसके बाद फिर बनाती हूँ तो फिर खुद नाश्ता एंड में करती हूँ। और अब आज मैं सुबह गई हूँ, चने लेके आई हूँ, चिकन लेके आई हूँ, ये घर ही के काम नहीं कर रही होती हूँ मैं, साथ साथ बाहर के भी काम कर रही होती हूँ कि मैं थक जाती हूँ शदीद। तो इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग करूँगी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।